नमस्कार दोस्तों, हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत के चुनाव में की बड़ी जीत हासिल। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में होने वाले जिला पंचायत के चुनाव को लेकर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बोल दी है बड़ी बात। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जो बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी को लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि हाल ही में जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 34 की सीट आपको बता दें कि खाली थी, यहां पर चुनाव होने थे। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 34 के उपचुनाव हुए, जिसमें आपको बता दें कि बसपा के प्रमोद अन्ना ने जीत हासिल की। जी हां मित्रों, जबकि आपको बता दें कि इससे पहले वहाँ पर भाजपा पार्टी का नेता चुनाव जीता हुआ था पहले से ही, लेकिन यहां पर जब चुनाव हुआ मुजफ्फरनगर की जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 34 से, तो बसपा के प्रमोद अन्ना ने आपको बता दें कि लगभग 1300 वोटों से बड़ी जीत हासिल करके एक इतिहास रच दिया, जो कि आपको बता दें कि बसपा के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में तो मायावती की पार्टी महज एक ही सीट जीत पाई थी, लेकिन जिला पंचायत का जिस तरीके से हाल ही में मुजफ्फरनगर की वार्ड क्रमांक 34 चुनाव हुआ, तो यहां पर बसपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन इसके अलावा भी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है आजाद समाज पार्टी को लेकर, जी हां मित्रों, आपको बता दें कि हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद उत्तराखंड के दौरे पर थे, तो वहाँ पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो आने वाले उत्तराखंड के जिला पंचायत के चुनाव होंगे, उसमें आज़ाद समाज पार्टी बखूबी चुनाव लड़ेगी। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, उसमें आपको बता दें कि उतारा जाएगा मैदान में जिला पंचायत के चुनाव में। और आपको बता दें कि उत्तराखंड की जो सरकार है उस पर आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद भड़के। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों से पहले जिला पंचायत के चुनाव होने थे, लेकिन सरकार जो है वो लगातार ही चुनाव की तारीखों को बढ़ाने में लगी है, और इस बार आजाद समाज पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन करेगी जिला पंचायत उत्तराखंड के चुनाव में। तो आपकी क्या राय है, ऐसा चंद्रशेखर ने ऐलान किया है। इन सभी खबरों पर आप अपनी कीमती प्रतिक्रिया जरूर बताएं। साथ ही आपको बता दें कि एक साथ चंद्रशेखर आज़ाद और मनजीत सिंह नोटियाल ने एक ही जिले में दोनों ने अलग अलग प्रदर्शन किया, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश, और आपको बता दें कि कई लोग कह रहे हैं कि ये भीम आर्मी कमज़ोर हो रही है। इन सभी बातों पर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।